स्मॉल वॉशरूम डिजाइन आइडियाज, कैसे आप 5.5 फुट चौड़ाई में और 8 फुट लंबा ये वॉशरूम है, कैसे आप अपने घरों को अंदर डिजाइन कर सकते हैं। अगर जो ये आपने वीडियो देख लिया तो मेरा दावा है कि आप अपने वॉशरूम में कोई भी छोटा सा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि कैसे आप वॉशरूम डिजाइन कर सकते हैं। पहले फ्रेंड्स आप देखिए इस वॉशरूम की बिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा समझ। देखिए इसके ब्यूटीफुल व्यूज। अब ये जो वॉशरूम है 5.5 फुट की चौड़ाई में, जैसे ये 5.5 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा ये वॉशरूम है, इसमें हमने प्रॉपर आपको चमकता हुआ वॉशरूम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? और छोटा सा वॉशरूम है, इतने ही इंडियन घरों के अंदर वॉशरूम हमारे बनते हैं। क्यों चमकता हुआ दिख रहा है? छोटे से पॉइंट्स बताता हूँ और वो आपने हमेशा अपने घरों में जो भी वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हैं ज़रूर बताएगा। अभी जो वॉशरूम है, हमने इसके अंदर जो टाइलिंग का इस्तेमाल किया है वो लाइट वाइट कलर की टाइलिंग है, और उसके अंदर जो ग्रेन्स का डिज़ाइन है, जो ग्रेन्स आपको दिख रही हैं लाइट ग्रे कलर की ग्रेन्स है, और जो टाइलिंग भी जो आजकल चल रही है ना 2x4 की टाइलिंग, तो बड़ी बड़ी टाइलिंग हमने इस्तेमाल कर दी गई है 2x4 की वाइट कलर की लाइटिंग टाइलिंग। और उसके अंदर क्या किया है कि प्रॉपर ओवरहेड तक जितनी भी आपका वॉशरूम का स्पेस है, जैसे ये 9 फुट के ऊपर स्लैब है, तो 9 फुट के ऊपर हमने इसकी प्रॉपर टाइलिंग उधर तक ले गए हैं, ठीक है। ऊपर बाद में सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल ही नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन किया है, और उसके अंदर हमने 2 लाइटिंग का इस्तेमाल किया। एक फोकस लाइट हमने यहाँ पर कर दी है जहाँ पर आप अपना बेसिकली वेट एरिया, और वहाँ पर आपका है ड्राई एरिया, उसके अंदर 2 लाइटिंग आपका इस्तेमाल कर दी गए, तो लुक में क्या ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपने जब भी डिफाइनिंग करनी है लाइट कलर की टाइलिंग डिफाइन करें, और ग्रीन्स जो 2x4 की आजकल टाइलिंग चल रही है ना स्मूथ टेक्सचर वाली, वो ज़्यादा टाइलिंग इस्तेमाल करें। जैसे 2x4 की में स्मूथ टेक्सचर की टाइलिंग प्रॉपर स्मूथ है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपका कुछ गंदा भी होगा आप इसमें मतलब कुछ पोछा मारेंगे या कुछ मतलब साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगा, अगर जो उसके अंदर कुछ आपने इंग्रूव टाइलिंग को साफ करने में इश्यूज आते हैं। दूसरी बात, नीचे टाइलिंग की बात करूँ मैं, नीचे टाइलिंग हमेशा लाइट कलर की कॉम्बिनेशन में उसकी ही टाइलिंग करें। जैसे इसमें हमने ग्रे कलर की टाइलिंग करी है और उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया गया वाइट का और उसके अंदर लाइट ग्रे का ग्रीन से, इसके अंदर ही हमने ग्रे कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। नीचे भी हमने 2x4 की टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। अब 2x4 की टाइलिंग में और सबसे बड़ी बात कि एंटीस की टाइलिंग का वर्क किया। जब भी आप अपने वॉशरूम को डिज़ाइन करें ना, टाइलिंग एक सबसे मेन कंसेप्ट है कि वो टाइलिंग तो रगड़ी लगनी है ना, तो टाइलिंग आप हमेशा एंटीस की टाइलिंग नीचे रखें। आपने सुना होगा कि यार वो बंदा उस घर में वॉशरूम में नहा रहा था और वो फिसल गया। क्यों फिसलता है? बुजुर्ग फिसल जाते हैं, बच्चे फिसल जाते हैं। क्यों? नीचे हम जब हम नहाते हैं तो उसके अंदर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू के साथ वो चिकनाहट और पैदा हो जाती है, और नीचे टाइलिंग ग्लॉसी टाइलिंग लगा दी वो और भी फिसलन पैदा करेगी, तो फिर बंदा फिसलेगा ही तो और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, और फिसलने के क्या रीज़न होते हैं? आपने वेट एरिया को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया होता। हमने देखिए यहाँ पे प्रॉपर वेट एरिया को डिफाइन है, वेट एरिया लगा दिया, यहाँ पे आपका शॉवर है, आप नहा रहे हैं, यहाँ पर आपका टफ एंड ग्लास लगा हुआ है, तो आपका ये चीज़ कभी गंदा नहीं होगा, मतलब उधर आपका पानी जाएगा ही नहीं। लोग मैंने छोटे से वॉशरूम में मुझसे बाथ टब लगा लें, कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन घरों में वॉश मतलब मैंने अपने घर में लगाया हुआ, मैं आपको सही कंसेप्ट बताऊं तो मैंने कभी आज तक अपना बाथटब नहीं इंजॉय किया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इंडियंस के पास बहुत कम टाइम है, लग्जरी वाला टाइम इंजॉय नहीं कर पाते, और छोटे से वॉशरूम में आप बाथटब लगा लेंगे तो वो एक स्पेस बिल्कुल घेर लेगा और वो कपड़े फेंकने के लिए स्पेसिस बन जाता है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। उसके बाद आपने जब भी डिफाइनिंग करनी है तो एक जैसे हमने वेट एरिया का डिफाइनिंग कर रखा है ना, ये प्रॉपर वेट एरिया आ गया आपका, यहाँ पे आपके शॉवर्स लगने चाहिए, तो शॉवर एरिया आपका पानी की टैप आ गई है ना, और यहाँ पर ही आपका स्लोप होना चाहिए जहाँ पर आपके वाटर का ड्रेनेज हो, है ना, यहाँ पे जैसे पूरे का पूरा ड्रेनेज का स्लोप यहाँ पर ही दें। और दूसरी बार डिफाइनिंग ऐसे करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कम यूज़ होने वाला एरिया आपका ये है, है ना, आप दिन में 2 बार ही नहाते होंगे शायद, है ना, तो ये सबसे कम यूज़ होने वाला एरिया, तो इसको बिल्कुल पीछे रखें। उसके बाद सेकंड यूज़ होने वाला जैसे हमारा वॉशरूम एरिया है जहाँ पे हमने टॉयलेट एंड ऑल करना है, तो वो भी WC सीट सेकंड प्लेस पे रखें। थर्ड प्लेस पे आप अपना वैनिटी और आपका जो बेसिकली वॉश बेसिन है वहाँ रखिए। क्या है कि जैसे आप एंटर किए यहाँ पे आपका वॉश बेसिन, आपने हाथ धो दिए और वापस चले गए,
WCC यूज़ करनी है यहाँ पे कि वहाँ पे, लेकिन ये सबसे कम यूज़ होने वाला एरिया है, तो उसको वेट एरिया को बिल्कुल ही अलग से डिफाइन कर लें। तो ये सबसे बड़ा टिप है कि आप सबसे एरिया डिफाइन ज़रूर करें। और यहाँ पे अगर जो आप टफ एंड ग्लास नहीं लगा सकते, तो आप एक कर्टन आता है 300 से 400 रुपये का आपका कर्टन आ जाएगा वेट एरिया को, यहाँ पे आप दो रॉड लगाएं और उसको कर्टन्स को डिफाइन कर लें, आपका बाथरूम बिल्कुल नहीं गीला होगा। एक और पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट लोग भूल जाते हैं हमेशा, सबसे बड़ा पॉइंट है ये वॉशरूम का, वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें, वेंटिलेटेड एरिया रखें, इसमें देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें और बड़ा सा एग्जॉस्ट लगाएं। जितना बड़ा एग्जॉस्ट होगा आपका, उतना गैसेस, देखो आप नहा रहे हैं तब भी आपकी, आपने गीजर का पॉइंट रखा हुआ है ना, गीजर का पॉइंट में आपने किस तरीके से आपने उसमें गैसेस बन जाती हैं, तो गैसेस आपकी जब एग्जॉस्ट नहीं होगी तो कैसे होगा, WCC यूज़ करें तब भी गैसेस बन रहे हैं, तो एग्जॉस्ट फैन का ज़रूर इस्तेमाल करें। एक और पॉइंट जो बहुत ही कॉमन है और लोग भूल जाते हैं, अपना बेसिकली पॉइंट जहां पर आपने अपना गीज़र रखना है, तो गीज़र के लिए प्रॉपर स्पेस रखें, और उसके लिए मतलब मैं कहूँगा अगर जो वॉशरूम छोटा है तो बाहर लगा लें कहीं गीज़र, उसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर उसका स्पेस जरूर डिफाइंड होना चाहिए जहाँ पर आपका बेसिकली उसका प्लग लग जाए। वो प्लग भूल जाओगे तो फिर वो सारी की सारी तारें फिर लटकती रहेंगी। उसके बाद जो आजकल की मॉडर्न लुक में सीट्स चल रही हैं, है ना, तो उस तरीके के सीटिंग का इस्तेमाल करें। सीट्स यहाँ पर हमने, जैसे कि यहाँ पर हमने WC सीट लगाई है, तो आपने हैंगिंग वाली सीट लगानी है या फिर नीचे वाली लगानी है, तो मेरे हिसाब से आप नीचे वाली लगाएं तो बेटर है, जो मतलब फुट पे रखती है। ये हमने हैंगिंग सीट लगाई है। हैंगिंग सीट का ये है कि अगर जो आपने हैंगिंग सीट लगानी है, यहाँ पे जो बोल्टिंग होती है ना, उसको बहुत ही हार्ड बोल्टिंग में करें, तभी ही बेस्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी एरियाज डिफाइन करें जहाँ पे आपके पीछे अंदर जो टंकी लगती है पानी की, वो बैक में लग रही है, अंदर ही जो फिक्स हो जा रही है वो वाली टंकी है, और उसको इन्हांस कर दिया। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटर्स आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना घर डिज़ाइन करेंगे, अपना वॉशरूम डिज़ाइन करेंगे, तो एक इन्हांस करेगा, छोटे से स्पेस में आपने कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद मैं चलता हूँ वैनिटी एरिया की तरफ। अब ये जो वैनिटी एरिया है, हमेशा सबसे पहली बात तो कि आप जब भी बनाएं तो HDMR, अगर जो घर में बनाना है HDMR बोर्ड में बनाएं, और उसके बाद ऊपर डीको पेंट कराएं। HDMR बोर्ड आप पानी में भी डाल देंगे तो भी गलेगा नहीं, या बैकलाइट शीट में बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने जैसे प्रॉपर डिको पेंट का इस्तेमाल किया और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया, सारा का सारा एरियाज हमारे लाइट वाइट था और लाइट ग्रे था, उसके अंदर ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया है, जो हमने इसके अंदर भी ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया, एक यहाँ पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया। जो आपके स्विचेस चल रहे हैं, इस तरीके से आप सॉफ्ट टच के स्विचेस भी का भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको वॉश बेसिन रखना है, तो एक प्रॉपर स्पेस रखें जहाँ पे वॉश बेसिन का स्पेस है ना, तो यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंटर्स रख लें कि जहाँ पर आप अपने, जैसे मतलब आपने शेविंग क्रीम रखी है, शेविंग के उसको कवर करने के लिए स्पेसेस होने चाहिए। नीचे भी आपके प्रॉपर स्पेसेस है जहाँ पे आप छोटी छोटी स्पेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो इस तरीके की स्पेसेस आपके यहाँ पर भी स्पेसेस हैं, तो इस तरीके की स्पेसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप छोटे छोटे पॉइंटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप शैम्पूज, आपकी शेविंग क्रीम या जो आपके क्रीम्स हैं, जितनी भी आपने रखनी है सॉल्यूशन लोशंस, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद जो आजकल की मॉडर्न लुक में ये चल रहे हैं मिरर्स, उसमें लाइटिंग का इस्तेमाल है, तो इसमें लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, मैं शेव कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यार मेरे फेस पे कहाँ पे मतलब मेरी शेव रहेगी, तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं, तो हो जाता है घर के अंदर भी। तो लेकिन लाइट आपके प्रॉपर फेस पे पड़ रही है तो छोटा सा काम है, ऐसे स्विचेस के साथ आपके ऑन ऑफ के साथ ये चल रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग सा ये छोटा सा हमारा वॉशरूम था। और इसमें मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे पॉइंट आपके कवर किए हैं, है ना, तो जब भी आपने वॉशरूम डिजाइन करें तो इस तरीके का वॉशरूम आप डिजाइन करें तो बेस्ट लुक में आपका वॉशरूम आएगा, बहुत ही अमेजिंग। फ्रेंड्स अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।